हवा गाड़ी सा जमा करनी। जमा करनी री सा जमा करनी री सा। आप लोगों ने आज का पोस्टर देखा होगा, जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले लाइव आके बताया था कि अपनी करनी माता की चिरजा आने वाली है, तो फाइनली आज उसका अपन फर्स्ट पोस्टर आउट कर चुके हैं और विथ डेट, बिकॉज नवरात्रे बहुत नज़दीक है, आने वाले हैं। आप सभी का और मेरा भी बिल्कुल फेवरेट, वो जो 9 दिन होते हैं माता जी के, वो बड़ी फेवरेट होते हैं मेरे। घर वाले तो पास आने में भी डरते हैं कि नहीं 5 दिन जाना चाहिए इससे ऐसा कुछ। तो करनी माता की चिरजा आया मैं आया तेरी नगरी 26th of September को आउट हो जाएगी अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रतन चौहान 338 पर। तो काफ़ी लंबे टाइम बाद में मैं करनी माता की एक चिरजा आप सभी के सामने लेकर आ रही हूँ। लिखा मैंने है, उसे गाया भी मैंने ही है, हालांकि मैं कोई सिंगर नहीं हूँ लेकिन मुझे गाना पसंद है, तो उसी में और उस पर म्यूज़िक दिया है संदीप भैया ने, और अपने जो इसमें शूट किया है वो किया है ब्लेजिंग क्लिक, जो कि अपने आप करनी फैशन वाले आईडी पे देख सकते हैं, वहाँ अपने अधिकतर पोस्ट वही करते हैं। हाँ सब बिल्कुल 26 सितंबर को रिलीज हो जाएगी। मैं आप लोगों को टाइम भी कंफर्म कर दूंगी कौन से टाइम पे अपना ऑफिशियल आईडी जो है, और इसी के साथ में अपना जो शेरनी सॉन्ग है इस पर 6 मिलियन व्यूज कंप्लीट हो चुका है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि वो सॉन्ग जिसे मैंने कभी लिखा था, जिससे मैं खुद सुन के मोटिवेट होती थी, और अभी रिसेंट में वो सॉन्ग मेरे बहुत काम आ रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रहा है। तो वो जो सॉन्ग है शेरनी, उस पर 6 मिलियन व्यूज़ कंप्लीट हो चुके हैं, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू दी करनी चिरजा के लिए। बिल्कुल सुनिएगा और बताइएगा कैसी लगी। लव यू सिस एंड गॉड ब्लेस यू। जय मां करनी रीसा, जय मां करनी। तो मैंने कहा था कि मैं आप लोगों को 3 सरप्राइज देने वाली हूँ। पहला सरप्राइज मैं बता चुकी थी कि करनी माँ की चिड़ जाने वाली है, जिसकी डेट मैं बता चुकी हूँ 26 सितंबर को। सेकंड सरप्राइज मैं देने वाली थी कि अपना सेकंड स्टोर ओपन होने वाला है, उसकी डेट भी मैं बता दूंगी, मतलब आज इवनिंग तक डिसाइड हो जाएगी कि हम लोग मतलब अपन लोग कब उसको ओपन करने वाले हैं। और एक सरप्राइज और पेंडिंग है, उस पर हमारा वर्क चल रहा है, हालांकि वो हो चुका है, वो भी हम लोग कर देंगे जल्दी आउट, लेकिन थर्ड वाला अपन थोड़ा सा हाइड रखते हैं ना, तो मैं बताऊंगी वो भी। कॉन्ग्रेचुलेशन सुकम, थैंक यू सो मच। बधाई हुकम, थैंक यू सो मच। जी हमारा करनी, हम जरूर आपके भजन सुनेंगे, आप सुनने पे मजबूर हो जाएंगे, इतना प्यारा भजन है वो। क्योंकि मुझे खुद को नहीं लगता कभी कभी कि मैं इतना अच्छा लिख लेती हूँ, मैं हमेशा दूसरों की तारीफ करती हूँ कि मतलब आप लिखते बहुत अच्छा है, आप गाते बहुत अच्छा है, मुझसे कभी खुद का नहीं होता कि यार मैं भी लिख सकती हूँ क्या, और मुझे देख के भी नहीं लगता होगा कि मैं लिखती भी हूँ क्या। तो लेकिन जब वो भजन रेडी होके मेरे पास में आया और जब हमने उसको सुना, तो मैं खुद कांच बजा के अपने आप को देख रही थी कि मैं सच में इतना अच्छा लिख लेती हूँ। जय मां करनी रीसा, जय मां करनी। मम्मी कैसी है आपकी? मम्मी बिल्कुल ठीक है, मजे में, बढ़िया मैं हूँ, मम्मी को संभालने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जय मां करनी रीसा। हम भी आपका भजन सुनेंगे, बिल्कुल बिल्कुल सुनिएगा, आप सभी के लिए है वो, उसमें कोई प्राइवेसी नहीं होगी, वो सभी सुन सकते हैं। थैंक यू सो मच, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच। इसका पोस्टर आउट हो चुका है, आज आउट किया हम लोगों ने, और जय मां करनी दी सा, खमा गणी। मैंने करनी माता जी पे सॉन्ग लिखा है, करनी माता जी पे या तो भजन या चिरजा, हम भगवानों पे कैसे सॉन्ग लिख सकते हैं। चलो ठीक है, वो बात की बात है, बाकी आप जो भी अपना ऑफिशियल नंबर है आप उस पर सेंड कर दीजिएगा, आपके सारे सॉन्ग बहुत अच्छे हैं, मतलब आप लोग शेरनी वाले सॉन्ग को बहुत हद से ज़्यादा ही सपोर्ट दे रहे हैं, बहुत हद से ज़्यादा ही प्यार उस गाने को,
वो मुझे नहीं पता था कि एक टाइम पे वो मेरी रियलिटी, मेरी रियल लाइफ ही वो हो जाएगी, मुझे नहीं पता था। हम कुछ लिखते हैं तो कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में चल रहा होता है, कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि हाँ हमारे साथ में ऐसा कभी होगा, ये हुआ होगा। तो मुझे सच में नहीं पता था वो जो शेरनी जो सॉन्ग है, जो मैंने आज से कितना टाइम हो गया उसको, अक्कू शेरनी वाली सॉन्ग को 2 साल, 2 साल पहले वो गाना हम लोगों ने आउट किया था, रिलीज़ किया था। तो ये सोच के तो मैंने बिल्कुल नहीं किया था कि मतलब वो गाना मेरे ऊपर ही सूट होगा, और आज जब वो सुनती हूँ तो ऐसा लगता है कि वो मैंने लिखा ही मेरे लिए था। तो उस पर भी 6 मिलियन व्यूज कंप्लीट हो चुके हैं, 7 मिलियन जाने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच। ये करणी माँ की कथा है या गुणगान? करणी माँ की कथा या गुणगान करने के लिए मैं अभी बहुत छोटी हूँ, और मतलब वो क्या है और मैं तो कुछ भी नहीं उनके सामने। तो एक कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें, एक भावपूर्ण चिरजा करणी माँ के लिए। माई ऑल टाइम फेवरेट शेरनी, थैंक यू सो मच। उसकी जो एक लाइन है वो बस ये कि मैं गाऊंगी नहीं, मैं बोलूंगी कि ना डर बस काम करे तू, दुनिया ने छोड़ पर है तू। कि कभी डरना मत, अपना काम करते रहना, और ये दुनिया है इसको छोड़, बस अपने काम पे ध्यान दे। दुनिया ने छोड़ पर है तू, जंजीरा तोड़ गिरा दे, आँखों को तेज दिखा दे। कि एक मुस्कान होती है किसी इंसान की, जो उसका पॉजिटिविटी, उसका नेचर, उसका बिहेवियर, उसकी हर एक चीज़। तो कुछ भी हो जाए ज़िंदगी में, चेहरे से स्माइल, ये जो हंसी है कभी मत जाने देना, चाहे वो आज मैं हूँ या आप हो या कोई भी हो। बिंदास रहो, ज़िंदगी है इसमें प्रॉब्लम आती रहती है, आज खराब है तो कल अच्छा होगा। तो सब कुछ भगवान पे छोड़ दो, मेरा तो सब कुछ करता धरता ये मेरी मावड़ी है, सब कुछ यही देखते हैं, सब कुछ यही संभालते हैं। बस उन्होंने तो एक कठपुतली की तरह मेरे को रखा हुआ है कि देख मैं ऐसे नचाऊँ तो तू ऐसे नाचना, मैं ऐसे नचाऊँ तो तू ऐसे नाचना, बाकी यही है करता धरता जो भी है वो। मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ आपकी, बिल्कुल नहीं, फ़ैन नहीं कहना, हमेशा से कहती हूँ एक फैमिली की तरह हम लोग। और थैंक यू सो मच कि जो भी फैमिली अगर मैं कहती थी ना, तो उन सभी फैमिली वालों ने अपना फ़र्ज निभाया और मेरे साथ रहे, थैंक यू सो मच। जय माँ करणी री सा। राइट जीजा, गुड इवनिंग। जय माँ करणी री सा, जय माँ करणी। जय माँ करणी री सा। मुझे चुप करने वाला तो आज तक इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ है। जय माँ करणी री सा। सुखदेणो दुख मेटणो हरि माँ करणी रो नाम, चरण शरण ते चारणी थन पुने पुने करु प्रणाम, अगोर काई केणो सा। जय माँ करणी। अभी मुझे शादी की कोई जल्दी नहीं है। आराम से करेंगे जब थोड़ी उम्र हो जाएगी। आपका सॉन्ग बहुत अच्छा है, शेरनी जरूर सुनिएगा, मतलब पॉजिटिव वाइब्स आती है उसको सुन के। और जो चिड़जा आ रही है करनी माता की, वो तो बिल्कुल बहुत बढ़िया। देशनोक है मावड़ी का आदेश। ओपनिंग से पहले एक बार जरूर जाके आऊंगी, क्योंकि इनके बिना तो कोई काम होता ही नहीं है मेरा। जय माँ करणी री सा। आप कब आओगे बॉम्बे? जब आप बुलाएं। जय माँ करणी री सा। जय माँ करणी। तो 26th of September आप लोग याद रखिएगा, मैं टाइम भी बता दूंगी कि कौन से टाइम पे अपनी चिड़जा आने वाली है। अपने पूरे बिजी आपका जो भी शेड्यूल है उससे मुश्किल से 2 मिनट, हाँ 2 मिनट की चिड़जा है, तो 2 मिनट आप लोगों को निकालना है, और 2 मिनट निकाल के आप लोगों को सुननी है। और मुझे पता है वो 2 मिनट के बाद में आप लोग अपना 1 से 2 घंटा उसको जरूर देने वाले हैं, डेफिनेटली श्योर हूँ मैं। 100, 200 बार सुना है शेरनी।
थैंक यू सो मच, आज आपने मेरा नाम लिया। जय मां कनेरी सा, आपका बर्थडे कब आता है? अभी थोड़े दिन पहले आके गया है, और सच बताऊं उसके जो गिफ्ट है अभी भी मेरे पास में आ रहे हैं। आपकी टोटल टैटू कितने हैं? मुझे टैटूज बहुत पसंद है, क्योंकि एक यही है जो बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि मतलब मरने के बाद में इंसान के साथ जो चीज़ जाती है वो टैटूज ही जाता है। तो मुझे टैटूज बहुत पसंद है, और हर एक टैटू मेरी लाइफ से रिलेटेड है, और मतलब लिंक है मेरी लाइफ से। देशनोक आऊंगी बिल्कुल, मावड़ी का बुलावा है अभी जाने का तो जरूर, और जाती है तो मेरी पूरी टीम ही जाती है, हमारे चौधरी साहब, हम लोग सब साथ में जाते हैं। जय मां कनेरी सा। और इवनिंग तक मैं अपना स्टोर जो है उसकी भी मैं डेट मतलब फिक्स हो जाएगी, अभी डिस्कशन चल रहा है, वहां का काम भी चल रहा है अभी, सो बता दूंगी। दी मुझे रिप्लाई नहीं मिल रहा कन्नी फैशन वाले अकाउंट से, क्या कर रहे हो तुम लोग, रिप्लाई नहीं जाता। आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं इन सबकी डांट लगाऊंगी, आपके पास मेरी रिप्लाई आएगा। जय मां कनेरी रीसा, क्या मम्मी कैसे हैं? मम्मी बिल्कुल ठीक है। स्माइल कर दो, एक बड़ी सारी स्क्रीनशॉट लेना है, वो स्क्रीनशॉट वापस मेरे पास ही आना है। रावण गेट कब आओगे भाई साहब? मैं रहती ही वही हूँ, मैं रावण गेट ही तो रहती हूँ, मैं वहीं तो रहती हूँ, वहां मेरा एक और घर है। आपके दोस्त कैसे हैं? बिल्कुल बहुत बढ़िया है, मजे में है। तो हिंदी का मायने बता दियो, मारवाड़ी का मायने बता दियो, 26 तारीख ना अपनी कंडी माता की चिड़जा आ रही है, ताको मन हुआ जना सुन लियो, और नी हुआ जना भी सुन लो है, माता जी को भजन है सुटवा में, आपको कहीं जावा है ने बियान। जय मां कनेरी सा, आपनी शॉप की लोकेशन आपने गूगल मैप पर मिल जैसी, रतन चौहान मतलब कन्नी फैशन रतन चौहान भी माता थाने का आनवा थाने लोकेशन मिल जैसी अटेगी। तन्नू 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 एक बार प्लीज, तन्नू जी जमा करनी थी सा, आप बहुत अच्छी लग रही है, मुझे ब्लैक कलर बहुत पसंद है, और पिछले 3 से 4 दिनों से मैंने यही शर्ट पहना है, क्योंकि मुझे ब्लैक 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 बहुत पसंद है। जमा करनी थी सा, लव यू ऑल। आप टीचर होती, मैं टीचर होती तो अभी भी मैं टीचर ही हूँ, मतलब मुझसे सब लोग बहुत सीखते हैं, बहुत समझते हैं, तो मैं समझाती हूँ उनको। आई लाइक योर स्माइल, थैंक यू सो मच, दिल से हंसना चाहिए मुझे ही नहीं आप सभी को, और स्माइल तो सभी की बहुत प्यारी होती है ना। नीलम जी जमा करनी रही सा, जमा करनी रही सा, प्लीज एक गाना गा दो अच्छा सा, आ जाओ गर्मा गर्म चाय और जामनगर की कचौरी खाने। जामनगर का है, जामनगर गुजरात, अति दूर में चाय पी पर कचौरी का बनाओ है।
जोधपुर पधारो कम, बिल्कुल बिल्कुल। आपकी स्माइल बहुत ज्यादा प्यारी है, मेरी नहीं, हम सभी की स्माइल बहुत ज्यादा प्यारी होती है। अगर हम खुशियां बांटेंगे तो खुशियां ही हमको रिटर्न में मिलेगी, और अगर हम सिंग हंजू सॉन्ग, हंजू सॉन्ग वो भी कितने मिलियन जाने वाला है, हंजू मतलब 3 मिलियन जाने वाला है ना, तो हंजू भी 3 मिलियन। पता नहीं क्यों मैं लिखती भी इतना अच्छा नहीं हूँ, मैं गाती भी इतना अच्छा नहीं हूँ, फिर भी आप लोग इतना सारा प्यार दे देते, इतना सारा सपोर्ट कर देते। 15-15 सेकंड की मैं रील बनाती हूँ, उसमें भी आप मेरे को इतना सारा प्यार दे देते हो यार, अच्छी बात थोड़ी ना है, ये गलत बात है बिल्कुल, ये तो नहीं करना चाहिए किसी को इतना सपोर्ट, किसी को इतना प्यार। 15 सेकंड की रील तो कोई भी बना सकता है ना, राइट, सही बोल रही हूँ मैं? आगरा आओ कभी, ताज महल घूमने काफी अच्छा, बिल्कुल मैं आऊंगी मेरी पूरी फैमिली को लेकर, और मेरी तो पूरी, मैं आऊंगी तो मेरी पूरी फैमिली आएगी। अब देख लो मेरी फैमिली में कितने सारे जने हैं, मतलब बहुत बहुत बड़ी फैमिली है मेरी तो, बहुत बहुत सारे लोग आएंगे मेरे साथ में। आपकी जैसे कोई रील नहीं बनाता विद ब्यूटी एंड पैशन, कान में बता दो, मुझे कोई बताता ही नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है, मेरे को हिंदी ज्यादा अच्छी लगती है और मेरे को मारवाड़ी ज्यादा अच्छी लगती है। अब मैंने कहना गवार कहना तो मैंने गवार के दो, कई बात को नहीं, मैंने कई फर्क को नहीं पड़े बात हूँ, तो थाने जो क्यों कहना हिंदी को मैं लिख रहे दे, क्योंकि आप बहुत अच्छे दिल के हैं, इसलिए आपका दिल साफ है, आपके आपके दिल के अंदर कोई कोई मेल नहीं है, आप दिखावा नहीं करती हैं। जय मां करनी, आप बात हुई ना भाई, आपने कहा दिखावा वालो जान क्यों है ही होनी, भगवान अत तो ही दिए जत तो सकन है, ना कम ना ज्यादा, मतलब समझ रहे हैं। यू आर स्वीट, दिल से बहुत प्यार है, थैंक यू सो मच। आप बात मतलब अयान की बात क्यों तो मैंने समझ में आ जाओ, अब यान थे अंग्रेजी को मैं लिख दो, मन समझ में क्यों नहीं आवा है, मैं पटर बता दूं, मुझे भी मारवाड़ी अच्छी लगती है, जरा मारवाड़ी में बात करना चाह लो। दीदी मेरा भी नाम ले लो, जमा करनी, हिंदी लैंग्वेज इज बेस्ट लैंग्वेज, बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपके सपोर्ट में हूँ, मनावा ही हिंदी है, दूसरी तीसरी मनावा ही होनी, मतलब मारवाड़ी तो चलो ठीक है बट हिंदी इज बेस्ट। क्या जमा करनी रीसा, आज मेरा बर्थडे है, विश मी प्लीज विक्रम सिंह 18, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, कन्नीमा ब्लेस यू। आप हिंदी में ही बात करो, कुछ समझ नहीं आता, मैं मारवाड़ी में समझा दी शुदान है। आपसे मिलना चाहता हूँ, बिल्कुल कालवाट रोड पे अपनी शॉप है कन्नी फैशन के नाम से, लोकेशन डालेंगे तो आपको मिल जाएगी, मारवाड़ी आपकी अच्छी है, थैंक यू सो मच संतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मारवाड़ी तो आपने सही की बढ़िया है। मैं एक बार गुफरन गाजी 31 जमा करनी रही सा, मारवाड़ी हमेशा ही चौकी है, ठेकियान बात करो हिंदी मारवाड़ी दोनों ने मिक्स कर दिया, मारवाड़ी नहीं आती है, जयपुर आशु जना कदे कदान, आपने दुकान पाओ मैं थाने सिखा दूं मारवाड़ी। आया मैं आया बाय रतन चौहान, सिर्फ इतना सही होगा, ये फोटो के साथ ना, हाँ सही है। क्या रेड
शायद हो सकता है कि पीछे फोटो रेड हो। ना 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 ना। नहीं नहीं ये वो वाली चिड़िया नहीं है जो आने वाली है, ये मेरे मन में चल रही थी तो मैंने गा दी। जय माँ कंडी। ना डर बस काम करे तू, दुनिया ने छोड़ परे तू। मेरे को कोई गाना ही नहीं गाने दे रहा, मेरी तरफ आके काट रहे। लखनऊ आपका इंतजार कर रहा है, आइए कभी यहाँ भी। बिल्कुल सर, आप बुलाएं और हम आए। क्यों यार, यार ये अपन एसी चलाएंगे तो एसी को भी लाएगा ना। ये लोग बहुत बदमाश हैं, मेरी जाने के बाद एसी चला लेते हैं, मैं मना करके जाती हूँ। ललिता, ललिता नाम लीजिए। ललिता जी हेलो, जमा करनी कैसे हैं आप? हमारे जम्मू में भी आओ कभी। बिल्कुल बिल्कुल आएंगे साहब। पाली बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप कभी रायपुर आए हैं? नहीं। हाँ ना 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 ना। तू बेटी ही मेरा इस देश की, सोनिया नाम ले लो। सोनिया मेरी बुआ सा का नाम है। अन्नू, अन्नू, अन्नू मेरी बड़ी जीजी का नाम है। अन्नू मेरी बड़ी जीजी का नाम है, सोनिया मेरी बुआसा का नाम है, रतन मेरा नाम है। हनुमानगढ़ तो मैं भी आके गई थी। अबे जी जमा करनी, आपकी आवाज बहुत अच्छी है, क्यूट है, थैंक यू सो मच। आपका नया सॉन्ग मतलब नई चिड़जा आ रही है 26th को। अन्नू मेरा भी नाम है। आशा नाम ले लो। आशा मेरी एक बड़ी मम्मी है, उनका नाम है। वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम झुंझुनू मंडावा। तुझ पे भरोसा है, अपन ऐसे थोड़ा ना चाहते थे, मतलब वो फोटो के साथ में आए, ये तो एक मतलब स्टार्टिंग कैसी होगी इसकी? रहा हूँ बाबा ना 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 ना। पंडित जी ने बुलावा चाहे ताई। मेरा नाम अन्नू है दीदी, मेरा नाम लिलो। शॉप कहाँ है आपकी? कालवार रोड प्रताप सर्किल पे, और सेकंड जो ब्रांच है वो वैशाली नगर में। मतलब अब मैं दो दो लोकेशन बताऊंगी। एक तो है कालवार रोड पे और एक है वैशाली में। आपको जहाँ सूटे बोलो, जॉब के पास में, वहां पे चले जाओ। मतलब कितना डिफरेंस है ना, पहले कुछ भी नहीं था, पहले कुछ भी नहीं था, पहले ऐसे बैठ रहे थे, ऐसे बैठ रहे थे, और अभी ऐसा होता है कि मतलब बैठे तो ऐसे ही रहते हैं, अभी भी ऐसे ही बैठ रहता है, लेकिन अभी बात कुछ और है। पधारो आप जी मारे देश में, मारो राजस्थान दिखाऊं सा,
पधारो मारे देश है ना, पधारो मारे देश राजस्थान पे है बिल्कुल। ये सॉन्ग भी आप लोग सुनिएगा। आप राजस्थान की बात करोगे, राजस्थान पे एक गाना मैंने लिखा है वो आप सुनिएगा। आप जयपुर की बात करोगे, जयपुर पे मैंने गाना लिखा है आप सुनिएगा। आप मोटिवेशनल कोई सॉन्ग की बात करोगे तो मोटिवेशनल सॉन्ग भी मैंने लिखा है आप सुनिएगा। आप कन्नी माता की चिड़जा की बात करोगे तो कन्नी माता की चिड़जा भी मैंने लिखी है और बहुत अच्छा सपोर्ट और बहुत प्यार भी मिला उस चिड़जा को, वो आप लोग सुनिएगा। आप फ्रेंडशिप बेस्ड सॉन्ग चाहते हैं तो वो भी मैंने लिखा है, वो आप सुनिएगा। कोई दिल टूटा सॉन्ग आप लोग चाहते हैं तो वो भी मैंने लिखा है, वो भी आप सुनिएगा। पता नहीं कैसे लिख लेती हूँ बट लिख लेती हूँ। योर कलेक्शन आर गुड, थैंक यू सो मच। वैशाली नगर पे शॉप पे कौन रहता है? मैं नहीं रहती, मेरा ब्रदर रहता है वहां। जयपुरियो जी मारो जयपुरियो, गणो निराणो मारो जयपुरियो। जयपुरियो जी मारो जयपुरियो, गणो निराणो मारो जयपुरियो। इन्होंने लाइव चला रखा है, ये लोग भी लाइव देख रहे हैं ना भैया, देख रहे होंगे भैया आना। मतलब मैंने वीडियो देखी है, आपने भेजा है जो, लेकिन इसमें स्टार्टिंग में ट्यूनिंग मतलब म्यूजिक नहीं आएगा कि ये खाली सिंपल ही चलेगा क्या? आप अक्कू को बता दो, पूछ लेना उनसे कि इसमें स्टार्टिंग में म्यूजिक आएगा नहीं आएगा। मेरे को अक्कू बोल रही है कि लाइव बंद कर दो। जयपुरियो सॉन्ग बहुत प्यारा है दी, मतलब कई लोग मेरे को देख के ऐसे सोचते होंगे यार ये क्या बंदी है यार, है ना, सोचते होंगे ना क्या बंदी, इसकी कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये मतलब हमेशा ही हंसती खेलती रहती है, इसको गालियां दे दो, इसको ये कर लो, इसको वो कर लो, इसका ये इसका वो, लेकिन ये कभी परेशान ही नहीं होती, हमेशा हंसती खेलती रहती है ना। जिस पर माँ कन्नी का आशीर्वाद है ना, उसका उसका कोई समझ गए। जय माँ करनी जी सा, जय माँ भवानी, जय माँ करनी। होलसेल करते हैं हम लोग, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जो भी अपना ऑफिशियल नंबर है शॉप का उस पर आप लोग पूछ सकते हैं, मतलब जिन्होंने भी होलसेल के लिए पूछा वो आप उस नंबर पर पहुंच सकते हैं, पूछ सकते हैं, पहुंच सकते हैं। मेरे तो हिंदी भी गड़बड़ने लग गई आजकल। आप हमेशा खुश रहो रतन जी, बिल्कुल रतन जी हमेशा खुश रहेंगे। क्यों तुसी ना जाओ, तुस ना जाओ, बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने लिखा भी है कि जिसके साथ माँ करने का आशीर्वाद है उसका कोई बाल भी माँ का नहीं कर सकता, मेरे को यही सुनना था। आपकी शॉप कहाँ है? कालवाड़ रोड पे है और एक वैशाली। तो एक बार फिर से बता देती हूँ मैं कि 26 सितंबर को अपनी एक चिड़जा आने वाली है, कन्नी माता की चिड़जा, जिसे लिखा और गाया मैंने ही है और उस पर म्यूजिक दिया है संदीप भैया ने, और अभी जो शूट और एडिटिंग कर रहे हैं वो ब्लेसिंग स्टूडियो है ना, हाँ हाँ यही था। मैं आईडी बता देती हूँ ना, मेरे को थोड़ा सा नाम नहीं पता है। हाँ ब्लेसिंग क्लिक आप लोग सर्च कर लीजिएगा और कन्नी फैशन पे मैंने उनकी आईडी टैग कर रखी है, तो उन्होंने अपना शूट किया और एडिटिंग भी अपनी वही कर रहे हैं, तो आप लोग देखिएगा। सो 26 सितंबर, और उसके बाद में एक और धमाका अपना न्यू स्टोर, और उसके बाद में एक और सरप्राइज आप सभी के लिए, तो धीरे धीरे देंगे,
तो बाकी 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 एक ही बात, सुख देणो दुख मेटणो हरी माँ करणी रो नाम, चरण शरण ते चारणी, थाने पुने पुने करू प्रणाम, आगोर काई केणो सा, जय माँ करणी।